हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जाबी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। आज पार्ट नंबर 8 है। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, वो लोग जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण करने के लिए किस बॉडी की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके किस प्रकार से इसका गठन किया गया, इसकी संरचना कैसी थी, इस प्रकार कैसे इसका घटना क्रम हो रहा था, कितने शस्त्र हुए थे, सब कुछ ए टू जेड आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको देखने को मिलेगा और बहुत कुछ हम नया भी जानेंगे। इसके अलावा आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी यहाँ पर पता चलेगा और साथ में हम देखेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण इन्होंने कैसे किया। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपको बता देते हैं, जिससे कनेक्टिविटी आप लोगों की बन जाए। देखिए, जब कोई भी देश आजाद होता है, जैसे आप लोग भी जानते हो, 1947 से पहले हम लोग अंग्रेजों के अंडर में थे, एक उपनिवेश के रूप में, कॉलोनी के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो अंग्रेज जाने के बाद में हमारा देश आजाद हो जाता। आजाद हो जाता तो किसी भी देश के लिए एक शासन प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। आखिर देश का शासन कैसे चलेगा, तो एक शासन प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। अगर देखिए, हम लोग अगर राजशाही अपनाते तो कोई समस्या वाली बात नहीं थी, तो अगर जो भी राजा कह देता वही शासन होता। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय स्वायत्तता की बात की जा रही थी, आपको देखने को मिलेगा लोकतंत्र की बात की जा रही थी। तो देखिए, इस प्रकार की जो प्रणालियां होती हैं, इनमें कुछ मूलभूत आधारभूत सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आधारभूत मूलभूत सिद्धांत होते हैं, वो आखिर कहाँ लिखे हुए हों, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, एक बुक की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आपको थोड़ा सा पीपीटी पर ले चलते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इस टाइमलाइन को, बहुत महत्वपूर्ण टाइमलाइन आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, आखिर हम वो जो मूलभूत सिद्धांत है, जिसमें कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया हो, आखिर वो कहाँ लिखे गए, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें एक बुक में लिखे गए। और उसी बुक को हम किस नाम से जानते हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, या फिर हिंदी में संविधान के नाम से जानते हैं। और ये भारत की है, तो इसलिए हम भारत के संविधान कह देते हैं, इंग्लिश में इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आखिर बात आई कि संविधान का निर्माण कौन करेगा। आप लोग जानते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय लगभग में 37 करोड़ के करीब में भारत की जनसंख्या थी। क्या पूरे देश की जो जनसंख्या थी वो बैठ करके संविधान का निर्माण करती? तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि इतने लोग बैठ करके संविधान का निर्माण करते, और सारी जनता थी वो शिक्षित भी नहीं थी, और ये पॉसिबल भी नहीं था। तो बोला कि अच्छा, चलिए शासन है वो लोगों के द्वारा जब किया जाएगा, तो ये संविधान भी लोगों के द्वारा बनाया जाए। लेकिन इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो चलिए ठीक है, लोगों के जो प्रतिनिधि होंगे, जो पढ़े लिखे हैं, चलो जो लोगों के प्रतिनिधि है, लोग जिनको चुनेंगे, वही संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों का शासन था तो भाई उनकी भी कुछ बात हमें सुननी पड़ेगी। तो देखते हैं कि इस संविधान सभा का कैसे गठन किया गया। तो देखिए, लोगों के प्रतिनिधि की जो सभा थी, उसी को हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं, और इसी संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया है। तो चलिए हम लोग आपको एक टाइमलाइन अच्छी सी एक दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आखिरी इस संविधान सभा की मांग किसने की, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1934 में एमन रॉय हैं, उन्होंने इस संविधान सभा की मांग की थी। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना भूल गए, आज की क्लास है प्री रिकॉर्डेड क्लास है, यानी कि आपके लिए सबसे पहले तो गुड इवनिंग। और आप लोग अगर मैसेज करें तो हम अभी उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम सभी के मैसेज देख लेंगे, क्योंकि आज हमको कहीं पर जाना था, तो इस वजह से हमने सोचा आप लोगों की क्लास ऑफ ना हो, इसलिए प्री रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो अभी हमने सुबह ही रिकॉर्ड कर दी थी, तो आप लोगों के लिए शाम को ये मिलेगी प्री रिकॉर्डेड के रूप में। तो मैसेज करिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं, कल हम सभी के मैसेज देख करके रिप्लाई कर देंगे, कोई भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा आप लोगों का। ओके, तो चलिए आते हैं। तो इस संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की, तो इस संविधान सभा की सबसे पहले मांग है एमन रॉय के द्वारा की गई। एमन रॉय कौन थे, वामपंथी दल के एक बहुत ही प्रखर नेता देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री में हम इनके बारे में साथ विस्तार में बात करेंगे। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि ऑफिशियल रूप से सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, तो वो आपको देखने को मिलेगा एक साल के बाद 1935 में आपको देखने को मिलेगा कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस क्या थी, उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, तो कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली औपचारिक रूप से सबसे पहले यहाँ पर संविधान सभा की मांग हुई। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि हल्के हल्के अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, और इस समय बहुत सारे यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, तो भारतीयों के ऊपर भी, वो अंग्रेजों के ऊपर भी काफी दबाव था। अब आप देखेंगे 1940 आते आते अंग्रेजों ने मान लिया कि ठीक है कि आप एक संविधान सभा का गठन कीजिए और उसके द्वारा आपके संविधान का निर्माण किया जाएगा।
तो देखिए, ये जो समय था ये 1940 के करीब का समय था। इस समय जो ब्रिटिश था, तो ब्रिटेन बहुत अपनी क्षेत्रीय राजनीति में उलझा हुआ था, और 1940 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कई देशों के साथ युद्ध कर रहा था, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसे भारत के अंदर भी मोर्चा संभालना पड़े। अगर ये मना कर देगा तो यहाँ पर लोग और ज्यादा भड़क जाएंगे। तो अभी तो वो अन्य देशों से तो लड़ ही रहा है, लड़ रहा है, और भारत के अंदर भी उसे मोर्चा संभालना पड़े। तो उसने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा इनको सांत्वना दे देते हैं, थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देते हैं कि ठीक है। 1940 में कहा कि आप संविधान सभा का गठन कीजिएगा, और संविधान सभा के द्वारा आपके संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, क्योंकि भाई अगस्त में ये मान्यता, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाएगा कि किस प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग को औपचारिक रूप से माना गया था। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से माना गया था, अंग्रेजों ने मान लिया था भाई। फिर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव में मान लिया था, ठीक है आप गठन करेंगे, लेकिन आखिर गठन कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी। फ्रेमवर्क क्या होता है? जैसे आप लोग की नहीं, जैसे आप लोग की शादी होती है, तो बहू कहती है, दुल्हन कहती है, हमको एक 9 लाख का हार चाहिए। अच्छा, हमको मतलब जो रिंग सेरेमनी होगी उसमें हमारे लिए एक लहंगा चाहिए, फिर साड़ी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो आपने देखा ना, शादी से पहले क्या होता है, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, ओके, कि किस तरह से लड़के को हलाल करना है, तो उस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। इसी तरह से आपको देखने को लगे संविधान सभा है, इसका आखिर गठन कैसे किया जाए, इतने बड़े भारत से कैसे गठन किया जाए, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी। तो उसी के लिए हम जानते हैं प्रारूप प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और ये प्रारूप प्रस्ताव कौन लेकर के आए थे, तो आपको देखने को मिलेगा ये क्रिप्स लेकर के आए थे। क्रिप्स कौन था, आपको देखने को मिलेगा ये ब्रिटिश कैबिनेट के, आपको देखने को मिलेगा मंत्री थे, यानी कि कैबिनेट मंत्री थे, ओके। तो इनके लिए क्रिप्स के नाम से जानते हैं। इनके साथ में एक और मंत्री आया था, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री नहीं था, वो मंत्रिमंडल का सिर्फ मंत्री था। ये दो लोग आए थे, और देखिए इतने खुश हैं, ये बुक्चा दिखा रहे हैं ना, बक्सा दिखा रहे हैं, जैसे लग रहा है नोट भर के लाए। इसमें नोट भर के नहीं, इसमें अगस्त प्रस्ताव, इसके वो सॉरी प्रारूप प्रस्ताव इसके अंदर रखा हुआ था, जिसमें बताया गया था कि इस तरह से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और यही क्या है, आपको आपको स्टीफोर्ड क्रिप्स देखने को मिलेंगे। आज थोड़ा सा गले में खिचखिच हो रही है, कोई बात नहीं, ओके, क्योंकि सुबह सुबह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं एकदम उठ करके, तो इस वजह से। देखिए फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रारूप, जो भी प्रारूप प्रस्ताव था, कि जो यहाँ पर जैसे ही प्रारूप प्रस्ताव आता है ना, तो आपको देखने को मिलेगा जिन्ना और इनमें थोड़ा सा अनबन हो जाती है। क्यों अनबन हो जाती है? क्योंकि जिन्ना कहते हैं नहीं, आप जब भी आइए तो दो संविधान सभाओं का गठन कीजिए, दो संविधान सभाओं का गठन कीजिए, और वो दो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग संविधान बनाएंगी। तो बड़ी समस्या आ गई। तो अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है, जिन्ना की बात के लिए एक बार जाकर के रिव्यू किया जाए। तो आपको देखने को मिलेगा इसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन क्यों आता है? कैबिनेट मिशन इसलिए आता है देखने के लिए क्या वास्तव में दो संविधान सभाओं की आवश्यकता है भारत के अंदर। तो एक कैबिनेट मिशन आता है, कब आता है, ये महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिएगा टाइमलाइन, मार्च 1946 में ये आता है। अब ये कैबिनेट मिशन आता है, ये ऑफिशियली रूप से मना कर देता है कि भारत के अंदर दो संविधान सभाओं की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही संविधान सभा है, वो संविधान का निर्माण कर देगी। लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने कह दी थी कि मुस्लिम लीग का जो है उनका, मतलब सॉरी मुस्लिम लीग का नहीं, मतलब मुसलमानों का अच्छे से इसमें प्रतिनिधित्व होगा संविधान सभा में। तो कहीं ना थोड़े स्तर तक जो मुस्लिम लीग आपको जिन्ना देखने को मिलेंगी, वो थोड़े से संतुष्ट हो गए थे, बोले चलो ठीक है, इस संविधान सभा में हमें उचित प्रतिनिधित्व मिल गया है, चलो कोई समस्या वाली बात नहीं, हम इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आखिर संविधान सभा का कैसे गठन किया गया, वो अभी हम सविस्तार में बात करेंगे, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा फिर दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इस बैठक में फिर हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ इसी बीच में आप लोग जानते हैं कि 1947 में यहाँ पर आपको, कल हम बैकग्राउंड आपको बताए थे, वो बैकग्राउंड आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर मुस्लिम लीग है वो थोड़ा सा विद्रोह कर देता है, और कहता है नहीं दो भाग होने चाहिए भारत के, आप जब जाइए, जाने से पहले भारत को दो भागों में बांट करके जाइए। तो इसी वजह से माउंटबेटन को भेजा जाता है भारत के दो टुकड़े करने के लिए, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, और साथ में एक जो बड़ा भूभाग आपको भारत के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर माउंटबेटन आते हैं विभाजन
एक तरह से विभाजन प्रस्ताव लेकर के एक तरह से आते हैं, और ये विभाजन का कार्य इन्हीं को करना होता है माउंट ब्रिटेन के लिए, और यही भारत और पाकिस्तान का विभाजन करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। आप लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है, और 14 अगस्त को ये माउंट ब्रिटेन लाहौर जाकर के सिग्नेचर करके आते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं पाकिस्तान और भारत जब अंग्रेजों के अधिपत्य में थे, उपनिवेश थे, सॉरी, तो उपनिवेश थे, तो आपको देखने को मिलेगा एक ही साथ ही 15 अगस्त को ही आजाद हुए। लेकिन बेचारे माउंट ब्रिटेन थे, एक इनके पास में जो मिस्टर इंडिया तरीके तो घड़ी थी नहीं कि एक ही समय पर यहाँ भी हूँ और दूसरी जगह भी दिखे। तो माउंट ब्रिटेन ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है यार, चलो ऐसा करते हैं एक दिन पहले ही हम लाहौर में जिन्ना जी के पास घुमाते हैं और 14 अगस्त को ही सिग्नेचर कर देते हैं। तो 14 अगस्त को सिग्नेचर करके बोला कि पाकिस्तान का एक अलग खंड बनेगा पाकिस्तान के रूप में, भारत की कुछ राज्यों को अलग करके। तो इसीलिए 14 अगस्त को ही पाकिस्तान क्या मनाता है, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लेकिन वास्तव में 15 अगस्त को ही आजाद हुआ पाकिस्तान, 14 और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी वहां से आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान दोनों। लेकिन हम लोग हैं 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ओके, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, फिर हम लोग फिर आपको देखने को मिलेगा जब देखिए हमारे भारत में से कुछ टुकड़े पाकिस्तान के रूप में चले गए, तो जाहिर सी बात है संविधान सभा में पहले ज्यादा मेंबर हो गए, अब कम मेंबर हो गए होंगे क्योंकि कुछ भाग चले गए थे। ओके, इस वजह से फिर आप लोग देखेंगे 26 नवंबर 1949 का वक्त आ जाता है। इस वक्त आपको देखने को मिलेगा कि हमारा संविधान है वो लागू होता है, लेकिन पूरे रूप में लागू नहीं होता है। इसके कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता से संबंधित हो गए, चुनाव से संबंधित हो गए, संसद से कुछ संबंधित कुछ प्रावधान होते हैं वो लागू होते हैं। इसलिए क्यों लागू होते हैं वो आपको नागरिकता जब पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इस बीच में आखिर शासन कैसे चले। अब देखिए हमारा देश है वो 1947 में ही आजाद हो गया, लेकिन अब शासन कैसे चलेगा भाई, हमारे पास तो कोई संविधान ही नहीं है। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया, देखिए 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक जो स्थानीय विधानसभाएं हैं तो वही स्थानीय विधानसभाएं ही क्या करेंगी, अपने अपने प्रांत की जो विधानसभाएं हैं, ओके, तो वही विधानसभाएं अपने अपने यहाँ शासन करेंगे। तो ये एक तरह से स्थानीय शासन यहाँ पर लागू रहा। फिर आप लोग जानते हैं 1952 में जाकर के लोकसभा का चुनाव होता है, और फिर लोकसभा का चुनाव हो करके फिर नई सरकार का गठन किया जाता है, और फिर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर सब कुछ होता है। एक आपको आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ये जो ये आप देखेंगे जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे पर्ची पर्ची, तो यहाँ पर भी ये संसद में भी पर्ची पर्ची खेला गया था। आखिर क्यों पर्ची पर्ची खेलना पड़ा तो वो भी आप लोगों को बताया जाएगा जब आप लोगों के लिए राज्यसभा पढ़ा रहे होंगे, तब आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर हम लोग सुनाएंगे। ओके, तो चलिए अभी लो हम लोग चलते हैं अपने थोड़े से बोर्ड के ऊपर, यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिखाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ पर हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से आपको डालना है संविधान सभा, संविधान सभा। देखिए संविधान सभा, अगर हम संविधान सभा के गठन की बात करें तो देखिए इसमें जो संविधान सभा का गठन है वो आपको देखने को मिलेगा, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया, तो क्रिस्प प्रस्ताव के माध्यम से किया गया। ओके, जो क्रिस्प प्रारूप प्रस्ताव था ना उसी के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। ओके, संविधान सभा का गठन यहाँ पर, सॉरी, एक कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। ओके, कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आते हैं, आपको देखने को मिलेगा 389 जो सदस्य थे। ओके, इसमें संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे, 389 सदस्य इसके अंदर होने थे। अब 389 सदस्यों में आपको देखने को मिलेगा कि इतना बड़ा भारत है भाई, 389 सदस्यों को कैसे चुना जाए। ओके, 389 सदस्यों को कैसे चुना जाए ये भी एक चैलेंज था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। तो 389 जो सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से 296 सदस्य थे जो तो ब्रिटिश अधिपत्य वाला क्षेत्र था उससे चुनने थे, और हमारे यहाँ बहुत सारी देसी रियासतें भी थी। ओके, तो उन देसी रियासतों से भी चुनने थे। तो आपको देखने को मिलेगा जो देसी रियासतें थी वहां से 93 सदस्यों को, 93 मेंबर को चुनना था। तो 296 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे कहाँ से थे, ये ब्रिटिश भारत से थे भाई,
ओके, कहाँ से थे? ब्रिटिश भारत से थे। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये ब्रिटिश भारत से थे। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश भारत में सीटों का वो जो बांटा गया था वो देखिए एक मुस्लिम में बांटा गया। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। एक मुस्लिम, दूसरा आपको देखने को मिलेगा सिख, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा सामान्य। अब देखिए मुस्लिम, सिख और सामान्य, मुस्लिम और सिख के अलावा सामान्य में अन्य सभी आ जाते हैं। मुस्लिम को छोड़ दीजिए, सिखों को छोड़ दिया, सामान्य में सभी आते हैं। हिंदू, पारसी, ईसाई, ए टू जेड सभी, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, सभी इसी में समान में थे। तो सिर्फ और सिर्फ तीन भागों में सीटों को विभाजित किया गया था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें वैसे 296 सीटों की, इनको दो भागों में विभाजित किया गया था, समानता आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए इन 296 सीटों में आपको देखने को मिलेगा कि 292 जो सदस्य थे वो आपको देखने को मिलेगा कि 11 गवर्नरों के प्रांत से थे। 11 जो गवर्नर के प्रांत थे, गवर्नर के प्रांतों से चुने जाने थे। और आपको देखने को मिलेंगे जो 4 सदस्य थे जो मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत थे वहां से चुने जाने थे, मुख्य आयुक्तों। ओके, आयुक्तों के प्रांत थे वहां से चुने जाने थे। ओके, तो ये आप लोग एक बार जाकर के मैप देख लीजिएगा, वैसे हमने लगाया भी है तो आपको लास्ट में दिखा देंगे, तो वैसे आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत को समानता कितनी सीटों में बांटा गया, तो आपको देखने को मिलेगा तीन प्रकार की सीटों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटा गया। ओके, अब देखिए आपको देखने को मिलेगा इनमें से प्रत्येक, आपको देखने को मिलेगा इनमें से प्रत्येक समुदाय, के सदस्यों को, प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुनना था। किस प्रक्रिया के माध्यम से? चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुनना था। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम आगे लिख देते हैं, आप लोग वहां पर ही लिखिए। ओके, किस प्रक्रिया के माध्यम से? चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुनना था। अब चुनाव प्रक्रिया कहाँ पर चलेगी? जो प्रांतीय असेंबली थी ना, प्रांतीय असेंबली के अंदर ये चुनाव प्रक्रिया चलनी थी, प्रांतीय असेंबली। ओके, इस असेंबली के अंदर क्या चलना था? चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से इन लोगों को चुना जाना था। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और देखिए ये जो चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार की थी, आपको देखने को मिलेगा कि उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा, और प्लस आपको देखने को मिलेगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ओके, एवं समानुपातिक, प्रतिनिधित्व प्रणाली, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए चुनाव तो किया जाना था, जैसे वर्तमान की तरह जो चुनाव होता है वो वैसा चुनाव नहीं था, जो पृथक चुनाव था ना वो वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। अगर मुस्लिम लोगों के, अगर दो लोगों को मानते हैं चुना जाना है, तो उन दो लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही चुनेंगे। सिख समुदाय के हैं तो सिख समुदाय के लोग ही सिर्फ उनको चुनेंगे, और कोई मत नहीं दे सकता। और साथ में किस पद्धति में आपको देखने को मिलेगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होती है। जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह से ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए अब देखिए इस प्रक्रिया के माध्यम से जब चुना गया तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ही हम लिख देते हैं। ओके, हमारे पास जगह नहीं, आप लोग नीचे लिखिएगा। तो देखिए जब सीटें कितनी कितनी मिली था करके आपको देखने को मिलेगा, देखिए सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। ओके, थी कांग्रेस। इस कांग्रेस के लिए कितनी सीटें मिली आपको? 208 सीटें अकेले कांग्रेस की, कांग्रेस को मिली। आप लोग समझ सकते हैं ना, इतनी सीटें अकेले कांग्रेस के पास में थी, यानी कि किसका वर्चस्व होगा इसमें? कांग्रेस का ही वर्चस्व था। इसके अलावा अगर हम देखें मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें, तो जो मुस्लिम लीग था उसकी 73 सीटें उसको मिली थी, और साथ में आपको देखने को मिलेगा अन्य को 15 सीटें मिली थी। ओके,
वैसे इतना ये डेटा याद नहीं रखना है, बस आपको ऐसे ही बता दिया है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं याद रखना है। पीसीएस की तैयारी करते तो भाई थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ओके। लेकिन आपको देखिए वहीं पर अगर हम बताएं, देखिए यहाँ पर एक चीज और आपके लिए बता देते हैं, जैसे कि ये देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों में कैसे चुना जाना था, तो रियासतों के जो प्रमुख थे भाई, वो जिस व्यक्ति को चुन करके दे देते उसी को हम ले लेंगे, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुनते या फिर जिसका मन था उसको उठा करके ये दे देते, कोई समस्या वाली बात नहीं थी, ओके। तो आपको देखने को मिलेगा कि जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, अनुपात में यहां पर चयन किया जाना था। चयन कौन करेगा? रियासतों के प्रमुखों के द्वारा, लिख लीजिए हमें बस जगह नहीं है, रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। और जनसंख्या का अनुपात का तात्पर्य क्या है? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख, 10 लाख जनसंख्या पर, जनसंख्या पर एक सीट, ओके। कितनी? 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, समानता आपको इस तरह से वितरित देखने को मिलेंगी, ओके। लिख लीजिए आप लोग, इसी के नीचे लिखिएगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिख दिए। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आखिर किस समुदाय को कितनी सीटें मिली, वो भी आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, वैसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आपको देखने को मिलेगा, अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू के लिए 163 सीटें मिली। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा उनको 80 सीटें मिली थी। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो आपको देखने को मिलेगा 31 सीटें मिली थी। अगर हम यहाँ पर, अगर हम बात करें ईसाई की, अगर हम बात करें ईसाई की तो ईसाइयों को 6 सीटें मिली थी। अगर हम बात करें सिख की तो सिख के लिए यहाँ पर 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एंग्लो इंडियन की बात करें तो इनके लिए 3 सीटें, और पारसी के लिए भी आपको देखने को मिलेंगी 3 सीटें, पारसी के लिए भी 3 सीटें, ओके। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपको विभाजन देखने को मिलेगा, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। ये क्या थी? ये संविधान सभा की एक तरह से संरचना पूरी आपको देखने को मिलेगी, किस तरह से उसका गठन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो संविधान सभा का गठन किया गया वो दो रूपों में किया गया। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, जो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र से चुने जाने थे, दूसरा आपको देखने को मिलेगा रियासतों के प्रमुखों के द्वारा चुने जाने थे, भले वो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से दे या फिर वो जिसको दे दे उसी को। लेकिन जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट है वो निर्धारित की गई थी समानता। तो वो, और अगर आप लोग कहेंगे जो छोटा राज्य, छोटा प्रांत होगा तो उसका क्या होगा, तो कोई बात नहीं। जैसे कि मानते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या की आवश्यकता थी, तो देखिए जैसे कि एक छोटा सा प्रांत है उसकी 1 लाख जनसंख्या है, क्या है 1 लाख जनसंख्या है, किसी की 2 लाख जनसंख्या है, ओके, किसी की 3 लाख जनसंख्या है, किसी की 5 लाख जनसंख्या है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगी भाई, 10 लाख हो जाएगी। तो इस तरह से क्या बन जाएगी, एक सीट बन जाएगी। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले की एक इम्पोर्टेंट चीज। देखिए जब हमारा स्वतंत्रता भारत आपको देखने को मिलेगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, तो जब देश आजाद हो गया तो कुछ भाग थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान के पास चले गए, तो इसकी संरचना भी परिवर्तित होगी। तो चलिए देख लेते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद की इसकी संरचना कैसी बची। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो संविधान सभा थी, संविधान संविधान सभा थी, ये क्या थी, एक संप्रभु निकाय थी, संप्रभु निकाय थी। संप्रभु निकाय का मतलब क्या, एक कोई भी निर्णय अपना ले सकती थी, ओके। संप्रभु निकाय का मतलब अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में जो भी ये चाहे वो कर सकती थी। इसके अलावा अगर हम इस सभा की बात करें तो ये सभा थी, ये विधायिका के रूप में भी कार्य करती थी, विधायिका भी थी, ओके। तो देखिए आपको ये देखने को मिलेगा, देखिए जब ये संविधान सभा आपको देखने को मिलेगा, संविधान सभा के रूप में काम करती थी, संविधान सभा के रूप में काम करती थी, और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी। देखिए संविधान सभा एक ही थी,
लेकिन जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी और जब ये विधायिका के रूप में काम करती थी, जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता एक अलग व्यक्ति करते थे, और विधायिका के रूप में जब ये कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता एक अलग व्यक्ति करते थे। संविधान सभा के रूप में जब ये संविधान सभा कार्य करती थी तो राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे, और देखिए जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी जेबी मावलंकर थे वो इसकी अध्यक्षता करते थे, जेबी मावलंकर थे वो इसकी अध्यक्षता करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, और देखिए जब भारत और पाकिस्तान का इसके तहत विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ओके, अब देखिए इस विभाजन के बाद में जो संविधान सभा थी इसकी संरचना में परिवर्तन आया। तो देखिए संरचना में क्या परिवर्तन आया, यहाँ पर जगह कम है, आप लोग तो इधर ही लिख लीजिएगा, हम नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं, जल्दी से नोट करिएगा जिससे आपका छूटे ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ओके, तो देखिए पहले आपको यहाँ पर कितनी सीटें देखने को मिलेगी, पहले 389 सीटें थी। ओके, फिर आपको देखने को मिलेंगी सीटें कितने में कन्वर्ट हो गई, 299 में कन्वर्ट हो, क्योंकि भाई देखिए कुछ क्षेत्र चला गया पाकिस्तान के पास में, तो जाहिर सी बात है 10 लाख सीटों पर एक सीट समानता थी, तो जब थोड़ा क्षेत्र उधर चला गया होगा तो सीटें जाहिर सी बात है इसमें कम हो गई होंगी, तो संविधान सभा में क्या हो गई थी, सीटें कम हो गई थी। तो यहाँ पर लिख लीजिए संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा का स्वरूप। ओके, तो देखिए पहले कितनी थी, यहाँ पर 389 सीटें थी, तो इसमें भी आप लोग जानते हैं कि इन्हें दो भागों में बांटा गया था, जो ब्रिटिश आधिपत्य का था उसमें 296 सीटें आपको देखने को मिलेगी, और जो देसी रियासतों में थी उसमें कितनी थी, 93 सीटें थी, लिख लीजिएगा आप पूरा लिखना चाहते हैं तो। अब देखिए इसी तरह से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, तो इधर 229 सीटें हो गई, और आपको देखने को मिलेगा 70 सीटें देसी रियासतों के लिए हो गई, देसी रियासतों के लिए हो गई, और ये क्या था, ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र के लिए हो गई, ब्रिटिश भारत के लिए। ओके, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो पहले कितनी सीटें थी और फिर कितनी सीटें होगी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दी से लिखिए, थोड़ा सा तेज तेज लिखिएगा, हमने कहा ना थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा सा आज का केवल लेक्चर है जो थोड़ा सा फैक्चुअल आपको देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद में आपको ज्यादा फैक्चुअल नहीं देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली की बात करें, संविधान सभा के कार्य प्रणाली की बात करें, कार्य प्रणाली की बात करें, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि इसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, मतलब आप देखिए सभा है तो इसके कोई अध्यक्ष भी तो होंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, सचिनिंदा सिन्हा आपको देखने को मिलेंगे, सचिनंद सिन्हा आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए ये कौन थे, आपको देखिए आपको बता देते हैं, अस्थाई अध्यक्ष जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए जब संविधान सभा का गठन किया गया, तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो बात आई कि भाई इसकी अभी कार्यप्रणाली कौन प्रारंभ करेगा, जितने भी संविधान सभा के सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाए, अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाए, ये तो समस्या आ गई ना, तो बोले कौन दिलाए, चलो ठीक है एक अस्थाई सदस्य है अध्यक्ष है उसको चुन लेते हैं संविधान सभा के अंदर से। तो देखिए ब्रिटिश लोगों का शासन था तो ब्रिटिश लोगों की जो परंपरा थी वही परंपरा को हमने ले लिया कि इस संविधान सभा के अंदर जो भी सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसके लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा, टेम्परेरी रूप से अध्यक्ष बनाया जाएगा कुछ समय के लिए, और वो सचिनिंदा सिन्हा आपको देखने को मिलेंगे, यही सचिनिंदा सिन्हा थे, बस इनका काम था कि कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनना और जितने भी संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना, साथ में अध्यक्ष को शपथ दिलाना, फिर देखिए जब अध्यक्ष आ जाएगा फिर इनको फिर से समानता आकर के एक आकर के समान सदस्य बन करके वैसी कार्यप्रणाली में भाग लेना, तो बस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनको क्यों चुना गया, तो आपको देखने को मिलेगा इसलिए चुना गया क्योंकि ये सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे यहाँ के, तो इसीलिए इनको चुना गया था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सभा के
सभा के जो अध्यक्ष कौन थे, वास्तव में वो राजेंद्र प्रसाद थे। अभी हम लोग देखे राजेंद्र प्रसाद आपको देखने को मिलेगा, ओके। और तीसरा आपको देखने को मिलेगा संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको देखने को मिलेगा एम सी मुखर्जी, प्लस आपको देखने को मिलेगा बी टी कृष्णाचार्य, कृष्णाचारी, ओके। तो आपको ध्यान रखना है एम सी सॉरी एच सी मुखर्जी आपको देखने को मिलेंगे और साथ में बी टी कृष्णाचारी थे, दो उपाध्यक्ष थे, एक का नाम होगा तो आप एक भूल जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा दो उपाध्यक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें इसमें प्रमुख बात जल्दी से लिखिएगा, फिर हम लोग देखते हैं आखिर कितने संविधान सभा के शस्त्र चले। तो संविधान सभा के जो टोटल शस्त्र रहते थे वो 11 शस्त्र चले थे, ओके। तो चलिए शस्त्रों के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए कितने टोटल शस्त्र चले थे, 11 शस्त्र चले थे, ओके, सेशन जिनको बोलते हैं। आखिर पहला शस्त्र कब चला था, तो जो फर्स्ट शस्त्र था वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को पहला शस्त्र चला था। फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 11वां शस्त्र कब चला था, 11वें नंबर का जो शस्त्र था वो कब चला था, वो आपको देखने को मिलेगा कि नवंबर 1949 में, ओके। अब देखिए जो पहला शस्त्र चला था ना, इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और आपको देखने को मिलेगा कि संविधान सभा के 11 शस्त्र हुए, जिसका आखिरी शस्त्र कब हुआ, नवंबर 1949 में हुआ। लेकिन आपको देखने को मिलेगा और आपको पता होगा कि इसी आपको देखने को मिलेगा इसी समय 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा, संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए संविधान सभा ने और संविधान लागू हुआ 26 नवंबर को, लेकिन पूर्ण रूप में लागू कब हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ, ओके। तो देखिए जो 26 नवंबर को यहाँ पर लागू हो गया, तो भाई अब तो संविधान सभा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा एक बार और संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, मतलब फिर से उसकी बैठक हुई थी। तो देखिए ये नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को, कब 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक हुई, पुनः बैठक हुई, ओके। तो आपको देखने को मिलेगा, ओके, कब हुई, पुनः बैठक हुई, ओके। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ में देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ही 1951-52 में यहाँ पर आम चुनाव तक, देखिए यहाँ पर इसकी जो बैठक हुई थी, और आपको देखने को मिलेगा इस बैठक से आपको देखने को मिलेगा 51-52 में आम चुनाव था, तो आम चुनाव तक आखिर संसद के रूप में कौन कार्य करे, तो आपको देखने को मिलेगा संसद के रूप में कौन कार्य करे, तो यही जो पुनः बैठक हुई थी इसीलिए बैठक हुई थी कि भाई अभी संविधान सभा है, ये किस रूप में कार्य करेगी, संसद के रूप में कार्य करेगी, किस रूप में कार्य करेगी, संसद के रूप में कार्य करेगी, इसीलिए इसकी बैठक हुई थी, ओके। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो इसीलिए इसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया, जो ये जो संविधान सभा थी उसने किस रूप में काम किया, अंतरिम, अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, ओके। इस चीज आपको ध्यान रखना है, ओके, काफी महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार अगर हम बात करें हमारे संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा 2 साल 11 माह और 18 दिन, ओके। तो इतने समय में हमारा जो भारतीय संविधान है ये बन करके तैयार हो गया था, ओके। ये काफी महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी। और कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें जैसे आपको डेट दे ध्यान रखनी है, जैसे आपको 26 नवंबर 1949 को आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो संविधान है वो निर्मित हो गया था और इसको अपनाया गया था, ये निर्मित हो गया था और इसको अपनाया भी गया, लेकिन पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया गया, ओके। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो आपको देखने को मिलेगा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ हमारा संविधान, पूर्ण रूप से लागू हुआ, क्या हमारा संविधान लागू हुआ, ओके। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा 22 जुलाई 1947 को जो हमारा
राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, फ्लैग उसको अपनाया गया, तिरंगा है उसको अपनाया गया। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर 24 जनवरी 1950 को आपको देखने को मिलेगा कि बहुत महत्वपूर्ण डेट देखने को मिलेगी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। और आपको देखने को मिलेगा इसी समय हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए, कौन? राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट राष्ट्रपति। ओके, कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, काफी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, जल्दी से लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपको यहां पर और एक महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव है, ओके, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ओके, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था और इसको संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। आपको देखने को मिलेगा कि 22 जनवरी 1947 को इसको अपना लिया गया था एक तरह से। ओके, लेकिन ये लागू कब हुआ? लेकिन जो उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, ओके, ये प्रस्तावना, लेकिन ये लागू बाद में हुआ, लेकिन लागू पूर्ण संविधान लागू होने के पश्चात, लागू होने के पश्चात पश्चात हुआ। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसको हम प्रस्तावना के नाम से, प्रेम्बल के नाम से इंग्लिश में जानते होंगे, इसको 22 जनवरी 1947 को मतलब जो संविधान सभा थी उसके द्वारा अपना लिया गया, मान लिया गया। ओके ओके, लेकिन आपको देखने को मिलेगा ये लागू कब होता है? ये लागू पूरा जब हमारा संविधान लागू हो जाता है उसके पश्चात ये उद्देश्य प्रस्ताव है इसको लागू किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर और महत्वपूर्ण चीजों की बात कर लेते हैं, संविधान के अस्तित्व में आने की, संविधान के अस्तित्व में आने की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 4 नवंबर 1948 को, ओके, यहाँ पर अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, अंबेडकर जी ने आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या किया था, जो अंतिम, सॉरी, 4 नवंबर 1948 को यहाँ पर एक अंतिम अंतिम प्रारूप पेश किया। ये प्रारूप क्या था इसको भी आपको बता देते हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी का कार्य था कि संविधान है उसको अच्छे से व्यवस्थित करना और उसको प्रारूप प्रस्ताव को देना कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर होगी, ये इनका काम था, भीमराव अंबेडकर जी का ये काम था। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा उसके लिए प्रारूप प्रस्ताव है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया 4 नवंबर 1900, यहाँ पर 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। ओके, और जब ये प्रस्ताव को पेश किया गया तो फर्स्ट टाइम संविधान सभा में संविधान को पढ़ा गया। तो पूछा जाएगा आपसे सबसे पहले संविधान को कब पढ़ा गया, तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम यहाँ पर संविधान को पढ़ा गया। ओके, आपको देखने को मिलेगा। और जब इसको पढ़ा गया तो भाई कुछ लोगों को इसमें कुछ चीजें पसंद आई होंगी, नहीं आई होंगी, चर्चा करना था, तो यहाँ पर 5 दिन की चर्चा भी चली थी, 5 डेज की यहाँ पर चर्चा भी हुई थी। ओके, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि जब इसमें चर्चा हुई तो इसमें कुछ संशोधन भी आए होंगे, उन संशोधन को संशोधित करके आगे फिर से यहाँ पर प्रस्तुत करना था। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड विचार कब आया। तो सेकंड विचार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, सेकंड विचार यहाँ पर 15 नवंबर 1948 को आपको देखने को मिलेगा कि
ये प्रस्तुत किया गया था और इसमें बहुत लंबी चर्चा परिचर्चा चली थी और बहुत सारे इसमें यहाँ पर संशोधन भी हुए थे। आपको देखने को मिलेगा कि 17 अक्टूबर 1949 लगभग में आप लोग देखेंगे कि एक साल का जो समय था, एक साल तक यहाँ पर चर्चा परिचर्चाएं चली, बहुत सारे संशोधन आए इस बीच में। मतलब ये टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा, इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस टाइम पीरियड के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि संविधान के एक एक खंड पर खंड बार चर्चा की गई थी। यहाँ पर खंड बार चर्चा की गई थी और इस चर्चा के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि 7653 जो संशोधन प्रस्ताव थे, ओके, जो संशोधन संशोधन प्रस्ताव थे ये आए थे। मतलब आप सोच रहे हैं, एक साल के भीतर 7,000 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव आए थे। इन संशोधन प्रस्ताव पर विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा करने के बाद में इसको अपनाया जाना था। लेकिन आपको देखने को मिलेगा जब ये आए थे तो इसमें बहुत सारे कॉमन थे, कुछ थे जिनका कोई मतलब नहीं लग रहा था तो उनको हटा दिया गया, और ये पॉसिबल भी नहीं था कि इतने कम समय में इतनी विस्तृत चर्चा की जाए। तो इनमें से जो आपको देखने को मिलेगा, ये 7653 जो संशोधन प्रस्ताव आए थे, इनमें सब पर चर्चा परिचर्चा नहीं हुई थी, बल्कि आपको देखने को मिलेगा इसमें जो भी महत्वपूर्ण थे 2473 के करीब में इन्हीं पर सिर्फ चर्चा हुई थी। ओके, तो वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिए, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। हम अभी आपको बता देते हैं, बिल्कुल भी नहीं रटना है और ना ही इन डेटों को एकदम रटना है, बस ये आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। मतलब ऐसे ही हम बता दिए हैं क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा फैक्चुअल होने वाला था, जैसे कि हम बताए थे, ओके, लेकिन आपको ये चीजें नहीं रटनी है, एकदम साफ साफ बता देते हैं। आपको देखने को मिलेगा जो भी अभी आगे आएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आएंगी, वो हम आपको बताएंगे। जो चीजें पढ़नी है उनको अच्छे से पढ़िएगा। थर्ड विचार है, आपको देखने को मिलेगा 14 नवंबर 1949 को ये प्रारंभ हुआ। ओके, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अंबेडकर जी ने यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया, प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया। ओके, और इस प्रस्ताव का नाम क्या था? इसी प्रस्ताव के माध्यम से आप लोग जानते हैं कि फिर हमारा संविधान है वो अस्तित्व में आ जाता है। ओके, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा इसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज, सेटलमेंट बाय द असेंबली, ओके, बी पास्ट। तो ये आपको इस प्रस्ताव का नाम देखने को मिलेगा, इस प्रस्ताव का नाम एक बार देख लेना है, लेकिन एकदम रटना नहीं है। ये प्रस्ताव पारित कब होता है? जगह हमारे पास में नहीं, हम क्या करें, हम आगे लिख देते हैं, आप लोग जल्दी से लिखिएगा, वैसे हम इधर ही चलिए लिख देते हैं, जब तक आप लोग नोट करिएगा। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया जाता है। ओके, और आप लोग जानते हैं कि जब ये पारित होता है, आगे लिख देते हैं, देखिए जब 26 नवंबर 1949 को ये पारित होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कितने आर्टिकल होते हैं। तो इस समय हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल होते हैं वो 395 आर्टिकल होते हैं। अगर हम अनुसूचियों की बात करें, ओके, अनुसूचियों की बात करें तो वो आपको 8 देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये चीज आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा कि इस समय कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि देश आजाद हो चुका था, क्योंकि डेट कितनी है, 1949 है, तो 1947 में देश आजाद हो गया था। तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आपको 299 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। अब इन 299 में से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। क्या किए? जो ये प्रस्ताव था ना संविधान के ऊपर, जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए वो कितनी संख्या थी? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए।
ओके, कुछ लोग भाई नहीं आए थे, नहीं आते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग नहीं आए थे तो इसलिए उनके हस्ताक्षर नहीं थे, वरना आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर हस्ताक्षर थे। इसके अलावा अब जो चीज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, संविधान सभा की कुछ समितियां थी, देखिए कुछ कार्य थे ना बांट दिए थे कि कुछ कार्य आप कर लीजिए, कुछ कार्य आप कर लीजिए, तो संविधान सभा की कुछ समितियां बनाई गई। इन समितियों के कार्य अपने अपने कार्य थे सभी के, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें कुछ 8 बड़ी समितियां थी। अगर हम बात करें इसमें, देखिए इसको 2 भागों में बांटा जाता है, 8 बड़ी समितियां थी और बहुत सारी अन्य छोटी छोटी समितियां थी। तो 8 बड़ी समितियां थी, इनमें से कुछ है वो आप लोग याद रखना है। देखिए, एक थी संघ शक्ति समिति, आप समिति हम नहीं लिखेंगे, आप आगे ऐड कर सकते हैं। दूसरा आपको देखने को मिलेगा संघीय संविधान समिति थी। तीसरा आपको देखने को मिलेगा एक प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। चौथा आपको देखने को मिलेगा एक प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। समिति ओके। इसके अलावा आपको आपको एक देखने को मिलेगा संचालन समिति, ओके। और वैसे जो प्रक्रिया नियम समिति थी वो भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, संचालन समिति और प्रक्रिया संचालन समिति जो थी वो राजेंद्र प्रसाद के अंडर भी थी। देखिए, इन दोनों की आपको देखने को मिलेगा अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे, नेहरू जी थे। और देखिए प्रांतीय, आपको देखने को मिलेगा प्रांत को भाई किसने देखा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देश का एकीकरण किसने किया, आपको देखने को मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार पटेल जी को ये दे दिया, सरदार पटेल जी को ये दे दिया। साथ में प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अभी हम लोग देखे थे। अंबेडकर जी को इसको दे दिया था। और साथ में संचालन जो समिति थी और प्रक्रिया नियम समिति थी, ये दोनों के दोनों समितियां किसको दी थी, राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को। और वैसे परामर्श समिति थी वो आपको इतना नहीं जानना है, ये 5 आपको अच्छे से याद रखना है, ओके। अन्य समितियां हैं वो आप लोग खुद से जाकर के देख लीजिए, वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार जाकर के सरसरी निगाहों से आप लोगों को देख लेना है, खुद से जाकर के देख लेना है, ओके। आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बता देते हैं, लिखिए महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण तथ्य, ओके। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का जो चिन्ह क्या था, मोहर क्या थी, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा की मोहर क्या थी, मोहर क्या थी किसकी, संविधान सभा की, संविधान सभा की। तो आपको देखने को मिलेगा हाथी थी, ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार आपको देखने को मिलेगा बी एन राव थे, बी एन राव आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा एच बी आर अय्यर आपको देखने को मिलेंगे, ओके। सॉरी अय्यर नहीं, अयंगर आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि चीफ ड्राफ्ट मैन कौन थे, चीफ ड्राफ्ट मैन कौन थे। तो देखिए चीफ ड्राफ्ट मैन जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे एलन मुखर्जी थे, एलन मुखर्जी थे, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको कुछ और फैक्ट आपको लिखाते हैं, जल्दी से आप लोग लिखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर आप लोगों को लिखाते हैं आगे, ओके। कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं आज, ये आपको रटनी रटनी पड़ेंगी, जैसे नाम हम आपको नहीं रटा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो कैलीग्राफर, कैलीग्राफर कौन थे, आपको आपको देखने को मिलेंगे प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण, ओके। देखिए चीफ ड्राफ्ट कौन थे, एलन मुखर्जी थे। कैलीग्राफर क्या क्या मतलब होता है, जो लिखा, तो संविधान किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा। कैलीग्राफी का मतलब ही क्या होता है, लिखना, ओके। तो हमारा संविधान टाइप नहीं किया गया था,
हाथ से लिखा गया था हमारा संविधान। ओके, तो कैलीग्राफी किसने की? प्रेम बिहारी नारायण ने की। ओके, इसके अलावा सौंदर्यीकरण किसने किया? हमारे संविधान का सौंदर्यीकरण किसने किया? शांति निकेतन। ओके, जो शांति निकेतन थे इन्होंने सौंदर्यीकरण किया। जैसे हमारे संविधान में आपको बीच बीच में ऐसे फूल पत्तियां देखने को मिलेंगी, कुछ रामायण के आपको चित्र देखने को मिलेंगे, महाभारत के चित्र देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत सारी चित्रकारियां आपको देखने को मिलेंगी। आखिर ये चित्रकारियां किसने की, सौंदर्यीकरण किसने किया हमारे संविधान का? वो शांति निकेतन ने किया है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि हमारा संविधान था वो कैलीग्राफी किसने की, मतलब लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा, लेकिन उन्होंने हाथ से लिखा, टाइप नहीं किया, हाथ से लिखा, लेकिन किस भाषा में लिखा? इंग्लिश भाषा में लिखा। ओके, तो ध्यान रखना है ये लिपि कौन सी थी? इंग्लिश लिपि का उपयोग किया गया था, लेकिन हिंदी उसका संस्करण किसने किया, ट्रांसलेशन उसका किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है हिंदी संस्करण तो बसंत कृष्ण वैद्य ने किया। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, इसके अलावा देखिए जो एक प्रारूप समिति है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। प्रारूप समिति में आपको पढ़ना होता है, प्रारूप समिति। ओके, देखिए प्रारूप समिति है ये 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। ओके, इसमें देखिए 7 सदस्य थे, कितने मेंबर थे इसमें? 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों के आपको एक बार नाम ध्यान रखने हैं, जैसे इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर आपको देखने को मिलेंगे, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और आपको गोपाल स्वामी आपको देखने को मिलेंगे, तीसरे आपको कृष्णा स्वामी देखने को मिलेंगे, कृष्णा स्वामी देखने को मिलेंगे, चौथे आपको ए के मुंशी देखने को मिलेंगे, पांच में आपको देखने को मिलेंगे सैयद मोहम्मद। ओके, और छठे आपको देखने को मिलेंगे सादुल्ला आपको देखने को मिलेंगे, और सातवें नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी कितना हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। ओके, यहाँ पर ए ए सॉरी यहाँ पर ए नहीं है, आपको सैयद मोहम्मद ही आपको देखने को मिलेंगे, ये सैयद मोहम्मद के आगे का नाम था, वो सैयद मोहम्मद सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे, और ये 6 नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एम माधव राव। देखिए एम माधव राव बाद में आए थे, आपको देखने को मिलेगा बीएल मित्र के बाद में, यहाँ पर पहले जो इसके ये किसके स्थान पर आए थे आपको देखने को मिलेगा बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। ओके, बीएल मित्र हैं वो हट गए थे भाई, तो ये आ गए थे। इसके अलावा एक और आपको देखने को मिलेंगे 7वें नंबर पर, टीटी कृष्णा कृष्णा कृष्णाचारी। देखिए जो टीटी कृष्णाचारी थे ना, ये किसके स्थान पर आए थे? ये आए थे आपको देखने को मिलेगा 1948 के समय, यहाँ पर जो डीपी खेतान थे इनकी मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में आए थे। ओके, तो ये 2 सदस्य हैं, इनके नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, और इनका भी नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए ये जो टीटी कृष्णाचारी थे किसके स्थान पर आए थे, तो जो खेतान थे उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनके स्थान पर आया, और इसी तरह से बीएल मित्र हैं उनके स्थान पर कौन आए? एन माधव राव हैं वो आए थे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को यहाँ पर और बता देते हैं, वैसे तो आगे सब कुछ आने वाला है। देखिए आपको देखने को मिलेगा जैसे यूएसए का, अगर हम संविधान की बात करें, जो यूएसए का जो संविधान है, ओके, उसमें थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको यहां से। देखिए आपको यूएसए का जो संविधान है उसमें अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आपको सिर्फ 7 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। आखिर उसके संविधान में बनने में कितना समय लगा, इसके आधार पर आलोचना भी की जाती है, तो आप लोग अगर ये ध्यान होगा तो आप लोग आराम से आलोचनात्मक परीक्षण कर लेंगे। आपको देखने को मिलेगा कि इसको बनने में आपको देखने को मिलेगा
कि कितना समय लगता है, 4 महीने से कम का समय लगता है, 4 माह से कम का समय लगता है। और इसी तरह से कनाडा की अगर हम संविधान की बात करें तो यहाँ पर 147 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे और इसको 2 साल 6 माह का समय लगता है। और इसी तरह से आपको अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 आर्टिकल हैं, इसको बनने में 9 साल का समय लगा। अगर हम इसी तरह से बात करें कि दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 आर्टिकल हैं और इसको बनने में सिर्फ 1 साल का समय लगा। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ओके, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके, और इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, और इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है। चलिए, आज का लेक्चर है वो यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा जरूर। ओके, वो आपको बाद में आप लोग के लिए क्लियर कर दिए जाएंगे। हम आपके सबके मैसेज देख लेंगे क्योंकि हमें दोपहर में काम है, तो इस वजह से हमको जाना है, तो इस वजह से। ओके, तो चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पर ही हम लोग फिनिश करते हैं। ओके।